हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित 8 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं शिव महापुराण कथा समापन के दिन पंडित शैलेश तिवारी द्वारा शिव महापुराण के कई प्रसंगों का वर्णन करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना का वर्णन किया। प्रातःकाल वेद मंत्रों के बीच पार्थिव शिवलिंग निर्माण श्रद्धालुओं द्वारा किया गया एवं विद्वान पंडितों द्वारा अभिषेक पूजन कराया। कथा के दौरान मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने राधा कृष्ण की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसकी उपस्थिति श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। हिंदू उत्सव समिति द्वारा चल रहे धार्मिक आयोजन का समापन रविवार को हुआ। पंडित शैलेश तिवारी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं एवं जजमानों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कथा समाप्त के बाद आरती कर साबुदाने की खिचड़ी का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। तत्पश्चात पार्थिव शिवलिंग को शिवन नदी तट पर विधि विधान से पूजन कर शिवन नदी के कुंड में विसर्जन किया गया। केवल इतना ही कहना है कि भगवान भोलेनाथ का भी ये काम है, संवाद नहीं करते, रिक्रिएशन, यहाँ समापन नहीं हुआ है, विराम हुआ है। ये भाई ले गई थी हमें, भाव में आए यात्रा को, ये यात्रा से कहीं और जारी हो जाएगी। ये शिव महापुराण का कार्यक्रम सप्तदिवसीय कार्यक्रम था और आज उसका समापन हुआ है और अद्भुत शिव पुराण भगवान शिव की कथा 7 दिन तक यहाँ सुनाई गई पंडित शैलेश तिवारी द्वारा और अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। जनता जनार्दन ने बहुत उसका आनंद लिया, धर्म का लाभ लिया। ऐसे ही धर्म का लाभ जनता और पब्लिक को मिलता रहे। ब्राह्मणों का, भगवान का, हमारे मित्रों का, सबका आशीर्वाद सभी जनों पर बना रहे। ऐसे मित्र प्रभु भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।